मोटिवेशन तो जी आपकी वीडियो बहुत देखी है मैंने। अच्छा अच्छा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मैंने। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बोस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना। तो क्या कह रहे हैं, टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और टैलेंट को निखारना और समझना बहुत ही गजब की चीज है, जो कि भाई साहब ने साबित करके दिखाया है और छोटे से बच्चे को आगे बढ़ाया, इसके टैलेंट को इसकी अच्छी परवरिश करी और अच्छे संस्कार दिए, जिसकी बदौलत आज इसके इंस्टाग्राम पे 1,00,000+ फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पे भी 1,00,000+ फॉलोवर्स हैं। तो स्वागत है भाई साहब। राम राम जी। शुभ नाम बता दीजिए एक बार जी। मेरा नाम जगबीर है जी। तो अभी टोटल कितने फॉलोवर्स हो गए इनके? जैसे इंस्टाग्राम पे हो गए जी 1,12 जी, यूट्यूब पे 1,19 1,19, मौज पे 1.5 मिलियन लग रही है। अच्छा 1.6 मिलियन। तो मौज पे हैं 16,00,000 भाई। तो देखो छोटी सी उम्र में मतलब कमाल की बात है। तो राम राम बेटा। राम राम जी। देखो भाई कितनी प्यारी बोल ली है। मतलब ये जो बोल लिया नहीं, जो शब्द है ये मतलब दिल जीत ले हैं। क्या नाम है बेटे आपका? आदि शोकंद है जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में हूं जी। अच्छा, जो ये वीडियो बनाते हो ना आप, ये कहाँ से सीखा बेटे आपने? सर जी ने बेरा जी, मेरे पापा ने बेरा, मैं तो बस वीडियो बनाया करूं। अच्छा, जो वीडियो बनाते हो आप है, तो आपके पापा सिखाते हैं आपको? हाँ जी। अच्छा जी, तो जैसे इनका टैलेंट का कब पता लगे आपने? या तो जी बचपन था, मतलब मैं फोन लेकर गाने गुने चलाया करता नहीं। हाँ। तो इस साथ में गला गला गाने ने बोलिया करता। अच्छा, बस उड़े तो मैंने सोच लिया फिर लिपसिंग वीडियो बनावा इसकी, थोड़े से शुरुआत कर दी थी। अपना पहला विगोबा बनाया कर दी। अच्छा, उसके बाद विगो बंद हो गया था, फिर अपना इंस्टाग्राम पर बनाने लगे। इंस्टाग्राम बनाने लगे, इंस्टाग्राम से अच्छा रिस्पांस मिल गया जी। बिल्कुल, विगो पर भी अच्छा रिस्पांस था जी, 80,000+ फॉलोवर थे विगो पर भी अपने। तो इतने जो फॉलोवर्स हुए हैं मौज पे 16,00,000 है और इंस्टाग्राम पे 1,00,000+ और यूट्यूब पे 1,00,000+, कितना टाइम लग गया इनमें जी? यूट्यूब पर लग गया जी 1.5 साल के करीब जी, इंस्टाग्राम पर भी इतने टाइम लगे, इंस्टाग्राम पर ज्यादा टाइम लगे जी। अच्छा, साल भर तो बस 15-17 लाइक इतने आए कर दे। अच्छा, उसके बाद उठे उसके बाद चैनल इंस्टाग्राम चला कर। तो भाई जो ये लिपसिंग बनाता है ना, इसकी जो लिपसिंग है जिसकी ओरिजिनल साउंड है उससे भी बेटर है भाई। तो कमाल की लिपसिंग करा छोटी सी उम्र में, और हमें भी सीखने को मिलता है कि भाई देखो इतनी छोटी उम्र में इतना कमाल का टैलेंट है। तो बेटा एक वो डायलॉग है ना जो अपने वाला गांव वाला, वो सुना दो। मन्ना प्यारा तेरा सा, मन्ना प्यारा मेरा गम, तुनक मैं पीसम नक माय नाम। वाह बेटे वाह, क्या बात है, किसका ये डायलॉग है? आपका जी। तो आप जानते हो बेटा मेरे को? हां जी। क्या नाम है बेटे? अमित बोस नरवाना। वाह बेटे वाह, देखो भाई पूरा नाम याद कर रहा बच्चा। तो जैसे अब वीडियो बनाता है जी ये, हां जी, तो आसपास का जो क्षेत्र है, कई जने नुकंदे हो गए भाई बच्चा है, इसको पढ़ाई में थोड़ा वो करो, ध्यान केंद्रित करो और फोकस करो स्टडी पे, इसका अभी इसकी उम्र नहीं है। तो इस तरह की बातें रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से और आसपास का जो समाज है, वातावरण है, वो भी कहता होगा। तो फिर कैसे मैनेज करते हो साथ में पढ़ाई इसकी? बस जी वीडियो तो हमें सिर्फ संडे ने बनाया करा, संडे ने आज एक आधा दिन मतलब इसकी पढ़ाई पढ़ाई का काम करवाएगा ना, बाद में करवा लिया। अच्छा, ज्यादा टाइम तो इसकी पढ़ाई पर रखा, वीडियो तो बस संडे या बस और कोई छुट्टी का दिन उस टाइम बनाऊ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसका जो मतलब ये ऐसे कैसे याद रख लेता है कोई भी डायलॉग है? हाँ जी। तो एक डायलॉग को याद करवाने में कितना टाइम लग जाता है? वो तो जी वीडियो पे डिपेंड करा हुआ कि 15 सेकंड की है, 7 सेकंड की है, 30 सेकंड की है। तो एक मान के लेते हैं कि एग्जांपल के लिए 15 सेकंड की वीडियो है। हाँ, तो उसमें कितनी देर में सीख जाता है? बस ये 2-4 बार सुनाने की जरूरत है, एक आधी बार तो बस सुनते हैं बना दे, एक आधी बार में थोड़ा टाइम लग जाए, 2-3 बार सुनानी पड़े तो बना दे। बिल्कुल। तो इस अभी कोई डायलॉग याद है बेटे आपको और? हाँ जी। सुना दे बेटा। तू आप क्या कब बोलिया करिए, मैं सुना के भगवान क्या कब बोलिया करूंगा, दोनों मिलजुल का काम करा करेंगे, तू आलू काटा कर मैं मिर्चो लिया करूंगा। मिर्चो लिया करूंगा, क्या बात है, वाह बेटे वाह, शाबाश है। और सबसे जो खास बात है ना, यो जो बहुत सारे शब्द बोल रहे होंगे जो जी लगा हुआ है, और वो जो शब्द है ना मतलब एक बहुत अच्छी परवरिश कर रखी है इसकी। तो जी अभी जैसे प्लेटफॉर्मों पे काम कर रहे हो आप सभी पे, इनकम वगैरह का क्या, फिर कितना क्या कुछ रहता है आइडिया? तो बहुत सारे जैसे अभी फैमिली वाले हैं जो देखते हैं वीडियो लगातार, तो वो यही देखते हैं कि भाई हम भी हमारे बच्चे का टैलेंट यदि इस क्षेत्र में लाए, तो शुरू में तो मानते हैं कि देखो अपना टैलेंट आगे लेके आना है, बच्चे का नाम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद
एक साल दो साल मेहनत करते हैं तो सभी के मन में देखो पैसे की बात तो आती है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर अभी अभी क्या कुछ लग रहा है कि मतलब कितना क्या कुछ कमा लिया होगा आपने? मतलब इसका तो कोई आइडिया नहीं, बाकी अपनी पेमेंट हर भी नाम दे रहा है जी। अच्छा। हाँ मतलब यूट्यूब की तो टाइम लग जाए है, शॉर्ट वीडियो बनावा हाँ जी, बाकी जैसे मोज है, जिल्ली है, उनकी हर मंथ पेमेंट आवा है। कोई बॉन्ड बांड कर रखा कंपनी ने क्या? वैसे ही मतलब वैसे नॉर्मल। अच्छा मतलब प्रमोशन वगैरह आती रहती है? हाँ प्रमोशन नहीं जी, जो एक कंपनी है डीएस ग्रुप जी जी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अपना, वो हर मंथ अपना सैलरी दे। हाँ मतलब वो एक किस्म से फिर बॉन्ड ही हो गया कहने का मतलब। ठीक ठीक ठीक। तो फिर एस्टिमेट कितना लगाए आप कि मतलब कितना कमा लेते हो जैसे सभी प्लेटफॉर्मों को मिला के? क्योंकि ये जो देखने वाले हैं ना, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है, तो ये अपने बच्चों को तभी इस लाइन में लेके आएंगे आगे कि भाई थोड़ा एक कमाई का दिखा का जरिया कि भाई हम भी बच्चों को इस क्षेत्र में आ गए, छोटी उम्र तक लेकर आवाना कि भाई इनका रोजगार का स्कोप बन जाए। जी जी। कितना को एस्टिमेट है जी? एस्टिमेट को भी ना 12 का जी, को 17 का पक्का तो है नहीं जी, मतलब 15 से 20 हजार का एस्टिमेट लगा। तो भाई देखो छोटी सी उम्र में, इस उम्र में तो हमने न्यू बिगुन बेरा करता भाई, 8 का पहाड़ा कुकरा होगा, 5 का पहाड़ा कुकरा होगा, ABCD के हुए हैं, NR के हुए हैं, ये भी मतलब मुश्किल से सीखे थे हम। और उस उम्र में मतलब यो इतनी बढ़िया वीडियो बनाओ, गजब की वीडियो बनाओ है, और हमने भी मोटिवेशन मिला है, और आप जैसे भाई जो देखते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो अभी आगे क्या कुछ प्लान सोचा है फिर इसके बारे में कि जैसे आगे? आगे तो कुछ नहीं सोचा जी फिलहाल तो। अच्छा बस यही चलेगा फिर अभी तो? बस यही चलेगा अभी। लिपसिंग का चल रहा है? लिपसिंग का चल रहा है जी। अच्छा बेटे आप जो ये डायलॉग बनाते हो, याद करते हो, तो ये अभी पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है या डायलॉग बनाने में ज्यादा मन लगता है? पढ़ाई में जी। पढ़ाई में। अच्छा जी। जो आपकी मैम है, जो आपके सर हैं स्कूल में, तो वो ये नहीं कहते कि बेटा अभी पढ़ाई पढ़ाई किया अगर, ये छोड़ दे अभी छोटा बच्चा है तो? हाँ जी कहते हैं। हाँ जी। फिर तो छोड़ता क्यों नहीं के जी? ये डायलॉग है ना जी, डायलॉग तो कम बना और वीडियो ओ, पढ़ाई नहीं करा। अच्छा अच्छा वाह भाई वाह। और जो आपकी क्लास में बच्चे हैं वो भी कहते हैं आपको की वजह से डायलॉग बनाते मेरे को भी सुना दे? हाँ जी। अच्छा फोटो वगैरह लेते हैं स्कूल में आपके साथ? हाँ जी। अच्छा अच्छा आपके फैन वगैरह मिल जाते हैं आपको कहीं पे रास्ते में जाते हो कि भाई ये तो आदि है वीडियो बना रहा है ऐसे ऐसे? हाँ जी। अच्छा फिर क्या कहते हो आप? वाह बेटा वाह। और जैसे मैम ये कहती है कई बार तेरे को कि बेटा आज तू प्रश्न उत्तर याद नहीं करके लाया, आज तू डायलॉग सुना दे? ना जी। ऐसा कुछ नहीं होता? ना जी। अच्छा तो इतना शरीफ बेटे कैसे रहता है, इतना शरीफ, इतना मासूम, इतना कैसे है तुम इतना, मतलब इतनी सेंसिबिलिटीज नहीं उम्र में, मतलब इतना इतना शरीफ कैसे है तुम बता? गणा शरीफ सोरा भाई, गणा शरीफ। देखो भाई कई भाई मेरे को कई दिन से कह रहे थे कि भाई उस लड़के का इंटरव्यू जरूर लेना था ना, क्योंकि इस तरह थोड़े जोर मतलब अपनी यंग जनरेशन है उसने हौसला मिलागा, और इस उम्र में मतलब कमाल की अदाकारी है, काबिले तारीफ है। तो आपको जैसे अभी ये काम करने लग रहा जी, कभी आगे ऐसा भी होया कि भाई किसी की बड़ी कंपनी ने ऑफर दिया हो कि भाई इसको आगे हम मतलब खर्चा लगाएंगे आगो फिल्मों में वगैरह, नाटकों वगैरह में, कुछ ऐसा कुछ नहीं आया? वेब सीरीज का तो है लीजिए अपने पास ऑफर है, बाकी कोई फिल्म फिल्म का भी कोई ऑफर नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ। तो अभी जो मतलब गांव वाले हैं फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? गांव वाले का जी फुल सपोर्ट है। अच्छा बहुत प्यार कर रहे हैं जी। अच्छा अच्छा हाँ। ये सबका लाडला है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बेटे और कोई डायलॉग एक आधा याद उतरे? नहीं जी बस अब गल्ले गल्ले याद कराने पड़े तेरा छोटा बच्चा। अच्छा गाना सुना देगा? सुना दे बेटे गाना सुना। चल तू आंज लड़की है तनु खास बना दूंगा, ओ भाई ये जो नटखट हरकत है वो अच्छी लगा है छोटे बच्चे की। तो इसके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, और आप भी भाई जो आपकी फैमिली में कोई भी टैलेंटेड बच्चा है, लड़का है लड़की है, उसको आगे लेके जाएं, उसको पढ़ाई के साथ साथ है मतलब जो उसका टैलेंट है वो निखारे, उसको समझाएं और उसको और भी अच्छा बनाएं। आप इसकी कोई अलग से मतलब कोई क्लास वगैरह लगाते हो क्या कुछ अलग से भाई ऐसे कि घंटा दो घंटा अगर? अच्छा पढ़ाई का तो चलता ही जैसे इसके मतलब जो नहीं नहीं और कोई क्लास नहीं मतलब लिपसिंग बहुत जबरदस्त है इसकी। आपका प्यार है जी देखने वाले का प्यार है। अच्छा मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन कहाँ से मिली है मतलब इसके लिए आपको जैसे मोटिवेशन की बात करें तो? अच्छा, कैसे मोटिवेशन तो जी आपकी वीडियो बहुत देखी है मैंने। अच्छा अच्छा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मैंने। अच्छा जी हाँ जी। तो अभी इसके लिए फिर जैसे अभी कोई मतलब जैसे गुरु गारू तो मतलब आप ही सब कुछ? हाँ जी
चलो बेस्ट विशेस है बेटे आपके लिए, ठीक है, पढ़ाई भी किया करो अच्छी तरह और वीडियो भी बनाया करो, ठीक है जी, ठीक है बेटे, ठीक है जी। अच्छा दर्शकों को क्या कहोगा फिर? राम राम सहरन जी। अच्छा तो एक बार आईडी और बता दो इसकी, मतलब क्या जिसे प्रॉपर एक बार दर्शक ने पता, इंस्टाग्राम की आईडी है जिसकी आदि आचार 32 और यूट्यूब की है आदि 3132 और इमोजी इमोजी भी आदि 3132 है। तो भाई बहुत गजब की लिपसिंग करा लड़का, आप जाकर देखिए एक बार, और कोई भी आपके आसपास के क्षेत्र में अच्छा टैलेंट हो उसको निखारो आप और उसको आगे बढ़ाओ, प्रोत्साहित करो, और उनको जो माँ बाप है उनको भी कहो कि भाई आगे इसको आगे ले जाया जाए, क्योंकि अक्षेत्र असीमित है इस चीज़ का, और जो असीमित अक्षेत्र हुआ उसका नाम भी हो और पीसा भी हो एक दिन, और टैलेंट जो है कोई उम्र नहीं है टैलेंट की, तो इनको सपोर्ट मिला आगे, इनकी देख कर लाखों बच्चे आगे बढ़ेंगे और माँ बाप को भी थोड़ा सा न्यू होगा कि हाँ भाई हमारा बच्चा भी कर सके जब भी हो कर सके, तो ये चीज़ है। और एक गांव के मतलब देखो छोटा सा क्षेत्र हो गांव का, उस पर उठ कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना छोटी उम्र में काबिल तारीफ है भाई। तो अपना गांव है जी मंगलपुर, मंगलपुर। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।